हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामचंद्र अनंतराव क्षीरसागर, रोल नंबर 38, स्टडिंग इन बी फार्मेसी फाइनल ईयर इन शिवाजीराव एस जोंद्रे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आई एम हेयर टुडे टू गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड इट्स मैकेनिज्म एंड थेरापेटिक पोटेंशियल अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस भाग्यश्री चौधरी मैम। हिस्टामिन, सो बेसिकली हिस्टामिन आर अ नाइट्रोजनस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अमाइंस। हिस्टामिन आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल ड्यूरिंग अ लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। दे रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। रिलीज ऑफ हिस्टामिन इज इनिशिएटिंग फैक्टर ऑफ एनी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यूज, मेनली स्टोर इन साइड द ग्रैन्यूल ऑफ अ मास सेल वेयर इट इज बाउंडेड टू अ कंपाउंड सच एज हेपेरिन। रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम अ सेल रिस्पॉन्स टू एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। दिस बॉडी मे बी सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इनवेडिंग पैथोजन सच एज अ वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जिक सब्सटेंस सच एज अ पोलन एक्सेट्रा। हिस्टामिन कैन बी रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी कॉज बाय टॉक्सिन्स। हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 एंड H4 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली इन अ स्मूथ मसल ऑन वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दे आर जी प्रोटीन लिंक टू इंटरसेल्युलर GQ दैट एक्टिवेट्स फॉस्फोलिपेस C। इट अफेक्ट्स बॉडी बाय इंक्रीजिंग वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्लूड बाय हिस्टामिन। H2 रिसेप्टर, दे लोकेटेड इन गैस्ट्रिक पेरेंटल सेल, वैस्कुलर स्मूथ मसल, न्यूरोफिल्स, CNS, हर्ट एंड यूटेरस। इट एक्ट बाय जी प्रोटीन कपल लिंक इंटरसेल्युलर GS दैट स्टिम्युलेट्स एडेनोसाइक्लेस एंड इंक्रीज CAMP। इट इफेक्ट्स ऑन बॉडी बाय इंक्रीजिंग इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, वैसोडाइलेशन। H3 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन मोस्टली इन द CNS विथ हाई लेवल इन अ थैलेमस। देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज जी प्रोटीन कपल लिंक टू इंटरसेल्युलर G1 दैट इनहिबिट्स एडेनोसाइक्लेस एंड डिक्रीज CAMP। इट एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ अ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ अ हिस्टामिन एक्टिंग ऑन अ प्रीसाइनेप्टिक साइट्स। H4 रिसेप्टर, इट लोकेटेड इन एक्सप्रेस इन वेरियस सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मास सेल्स। इट एक्ट बाय जी प्रोटीन कपल डिक्रीज इन CAMP। इट अफेक्ट्स ऑन बॉडी बाय इमोड्यूलेशन। रोल ऑफ हिस्टामिन इन ह्यूमन बॉडी, इट अफेक्ट्स एज फॉलोइंग पॉइंट, अफेक्ट्स एन ए नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक एसिड रिलीज, इरेक्शन एंड सेक्शुअल फंक्शन, स्लीप वेक रेगुलेशन एंड प्रोटेक्टिव इफेक्ट। क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ हिस्टामिन, इट शोज एलर्जिक डिसीज इन्वॉल्विंग हिस्टामिन आर NFLA6, एलर्जिक अस्थमा, एटोपिया, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रीथिस, फूड एलर्जीज। सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन CA, हिस्टामिन इंटॉलरेंस, मार्स सेल एक्टिवेशन डिसीजेस। Antihistamine. So, antihistamine are the drug that reduce or eliminates the effect of a mediated by the clinical histamine. Histamine is released by your body during an allergic reaction and act on a specific histaminic receptor. Term antihistamine usually refer to H1 receptor antagonist, actually inverse agonist. Antihistamine compete with the histamine for binding sites at the receptor. Antihistamines are usually for short-term treatment. Classification of antihistamine. The drug antihistamine are basically classified in a four type according to their receptor: H1 blocker, H2 blocker, H3 blocker, and H1. H1 blocker antihistamine. H1 antagonist, also known as antihistamines, are a class of a mediation that blocks the action of histamines on the H1 receptor. Histamine is a chemical released by body in response to allergic reaction causing symptoms such as itching, sneezing. H1 antagonists are commonly used to treat allergies such as high fever, hives, and allergic rhinitis. H1 antagonists can be classified as a first generation or a second generation depending on their side of action profile and effectiveness. Mechanism of action of H1 blocker antihistamine. These are a competitive inhibitor of a histamine at a H1 receptor. The histaminergic receptor are the G protein couple type
H1 receptor are coupled to phospholipase C, and their activation leads to the formation of isothiol phosphate IP3 and diacyl glyceryl DAG. IP3 provide rapid release of Ca++ ion from endoplasmic reticulum. DAG activates protein kinases C and also activates phospholipase A2. Now H1 antagonists are bind to H1 receptor and blocker this receptor, so histamine does not bind with the receptor and does not show their action. First generation of H1 antagonist causes sedation due to more selectivity for CNS neurons. They easily cross blood-brain barrier. So basically H1 blocker antihistamine are classified in two types, first generation and second generation. The first generation tends to cause significant drowsiness, other than the second generation are designed to be less sedating because they are formulated to have a limited penetration into the central nervous system. CNS effect of a first generation, they can cause various central nervous system side effect, rather than a second generation shows fewer central nervous system side effect. The common example of a first generation are a diphenhydramine, chlorpheniramine and clemastine. The common example of a second generation are cetirizine, desotretinoin, etc. H2 blocker antihistamine. H2 antagonist, also called H2 blockers, are a class of a medication that blocks the action of histamine at the histamine H2 receptor of a parental cell in stomach. They decrease the production of a stomach acid, they suppress the normal secretion of acid by parental cell, and the meal stimulated secretion of acid. Most commonly used H2 blocker antihistamine are cimetidine, famotidine, ranitidine and omeprazole. Mechanism of action of H2 blocker antihistamine. Mechanism of action of H2 blocker antagonist are work by blocking the binding site of H2 receptor on a parental cell in stomach. This prevents the activation of a significant pathway that leads to the production of a gastric acid by reducing the amount of acid produced in stomach. Effect of antihistamine. The common side effect of antihistamine are reduced coordination, headaches, upset stomach, drowsiness, sore throat, cough, rapid heartbeat, blurry vision, etc. The market preparation of antihistamine are as follows are the reference sites and books. We are thankful to Dr. Shivajirao S. Jondre, sir, the president of our college, and Honorable Geeta Jondre, ma'am, and Dr. Nitin C. Mohire, principal of Shivajirao S. Jondre College of Pharmacy.